हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मक्के की बिल्कुल अलग तरह की सब्ज़ी लेके आई हूँ, आप ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मक्के की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 2-3 मक्के जो कच्चा हो, और उसे अच्छे से निकाल के अदरक मिर्ची के साथ हमें दरदरा पीसना है। दरदरा पीसने के बाद इसमें डालेंगे जीरा, साबुत जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 4 चम्मच मैदा, जिससे ये बाइंडिंग अच्छे से हो। आप अपने अकॉर्डिंग दोनों चीज़ रख सकते हैं, जितना मक्का होगा उस हिसाब से कोफ्ता में ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कोफ्ता बना के देखें, अगर टूटता है तो थोड़ा सा और मैदा डालेंगे। वैसे ये जितना है इसमें 4 टेबल स्पून मैं इसमें डाली हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर कोफ्ता बनाएंगे। अब इसमें हल्का सा नमक डालेंगे, क्योंकि और ग्रेवी में डालेंगे नमक, इसलिए थोड़ा सा नमक इसमें अंदर डालेंगे। और फिर बेकिंग पाउडर, जिससे ये कुरकुरा बनेगा और खिला खिला बनेगा। तो बेकिंग पाउडर इसमें 1/2 चम्मच देंगे। खूब अच्छे से मिला लें, और इसे इतना ही गाढ़ा रखना है, ज़्यादा इसमें पानी ना मिलाएं, बस इतना कि वो पीस जाए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे पीसने टाइम, बस इतना सा लेंगे और बनाएंगे कोफ्ता। बहुत बड़ा बड़ा नहीं बनाएं, छोटा छोटा ही लें। क्योंकि ये ग्रेवी में जाते थोड़ा सा फूल जाएगा, तो अब बहुत बड़ा हो जाएगा। अब ग्रेवी के लिए लेंगे 1/2 कप जीरा और हींग लेंगे, और इसके बाद मसाला में प्याज, कटा प्याज, लहसुन, अदरक सब कटा होना चाहिए। आप चाहें तो पेस्ट भी बना सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद जीरा हींग डालेंगे, फिर कटा प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। लहसुन अदरक भी साथ में भून लें। फिर एक घोल तैयार करेंगे मसाला, सब जितने भी मसाले हैं पाउडर वाले, सबको एक घोल तैयार करके डालेंगे। जब ये हल्का सा भुन जाएगा तब, वैसे आप चाहें तो कोई भी सब्जी मसाला डाल सकते हैं, लेकिन इसमें मैं पास्ता मसाला का यूज़ करूँगी, क्योंकि वो अलग इसका टेस्ट अलग कर देगा। इसलिए
अदरक भून जाए तब ये घोल को डालेंगे। और सब्जी मुझे ज़्यादा चाहिए इसलिए मैं इसमें बॉयल आलू भी डालूंगी, आप चाहें तो सिर्फ कोफ्ता भी बना सकते हैं। को भी मसालों के साथ भून लेंगे। इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि कोफ्ता सूखेगा, इसलिए अच्छे से बॉयल आने दें। बॉयल आने के बाद इसमें कोफ्ता डालेंगे, उबाले नहीं, बस बॉयल आने तक उसमें डालेंगे और बंद करेंगे गैस। तो ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करें और कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।